समझते क्या है अपने आप को? चार पैसे क्या जेब में आ गए, दूसरों को बिकाऊ माल समझने लग जाते हैं। देख रही थी मैं उसको, कैसे नदीदों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। आते हैं ऐसे लोग लेकिन अपनी अपनी सीटों पर उल्टियां करके चले जाते हैं, ऐसे नहीं करता कोई। कमाल है यार। जाहिल कहीं का बदतमीजी कर रहा था। मैंने भी एक ऐसी रख के चमाट मारी है ना कि याद करेगा। सारा हॉल उठकर तालियां बजाने लग गया था। बहुत मुनाफिक हैं ये लोग। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब तो मैं उसी वक्त स्टेज पर दे देता, लेकिन मैं तुम्हारे थप्पड़ का ऐसा जवाब दूंगा कि दुनिया सवाल कर करके तुम्हें मार दे। मैडम जी, एक बात कहूं अगर आपको बुरा ना लगे? हाँ कहो। आपके पास भी ना एक पिस्टल होनी चाहिए। ठीक कहते हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना तलवार होनी चाहिए ताकि गर्दन ही उड़ा दे। करूंगी मैं फरहान। क्या करना चाहती हूँ? तुम नहीं जानते फरहान उसको किस किस्म का जलील, बेगैरत और कमीना इंसान है। किस तरह का सलूक कर रहा होगा इस वक्त वो जमीन पे, कितना जुल्म कर रहा होगा। तुम्हें बताओ, सारे बदले निकाल रहा होगा, आज तक के सारे बदले। क्या करता वो ज्यादा से ज्यादा, मार देता ना मुझे। हाँ, मैं तो निकली थी मरने के लिए। जर्मीन ने अपनी जान दांव पे लगा दी है सिर्फ मेरी वजह से, और कौन सी उसने मेरी जान बचा ली? बताओ ना मुझे फरहान, तो मैं क्या करूंगी? क्या हो गया तुम? कर भी क्या सकती हो तुम? अगर वो जमीन को छोड़ देगा ना, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं देख सकती उसको शादत में फरहान। वो मर जाएगी, वो उस पर जुल्म करके कि उसको मार देगा फरहान। मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे, नहीं देख सकती। Yeah.
परेशान हो रहे, फारूक जाने फरहाद जाने, हमारी तरफ से दोनों पहाड़ में जाए। अच्छा दोनों आपस में एक दूसरे को लड़े मरे, हमारा क्या लेना देना? हमारी बेटी का क्या बनेगा जो उसके साथ रहती है? वही एक लड़का तो उसकी पनाह है, अगर उसे भी कुछ हो गया तो हमारी बेटी कहाँ जाएगी? फारूक के पास, यहां तो अपने लोगों के सामने उसकी कब्र बना ली है। जानती हो फारूक उसका क्या हाल करेगा?